Good morning, everybody. Good morning, sir. Very good morning. Today, we have to complete questions of this very poem, My Mother is a Good Lady. So, you all are ready? Yes, sir. Okay. So, first of all, you just revise given word meanings, and thereafter, all these questions will be revised and you will be allowed to write it down. After that, you one by one, you must get it checked. सर्वप्रथम वर्ड मीनिंग दोहराएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे और बारी बारी से कॉपी चेक कराएंगे, उसमें आपका मार्क्स दिखेगा, कितना आपका स्कोर है हैंडराइटिंग में, कितना आपका स्कोर है प्रोनाउंसिएशन में, और कितना आपका कंटेंट्स अच्छा है. इन तीन फैक्टर्स पे मार्क्स जुटेंगे. लेट अस स्टार्ट. न्यू वर्ड्स, मदर. मदर मीन्स माँ जी. सेकेंड, ऑलवेज. ऑलवेज मीन्स हमेशा. हेल्प. हेल्प मीन्स सहायता करना. पोएट. पोएट मीन्स कवि. फ्रेंड. फ्रेंड मीन्स मित्र. सिस्टर. सिस्टर मीन्स बहन. माई मदर इज ए गुड लेडी. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई पोएट्स मदर इज ए गुड लेडी. कवि की मां क्यों एक अच्छी नारी है. आंसर, बिकॉज अर्ली सी वेक्स हिम डेली. क्योंकि वह प्रत्येक दिन कवि को प्रातः काल जगा देती है, इसलिए कवि के दृष्टि में उनकी मां बहुत अच्छी महिला है. सो योर क्वेश्चन इज व्हाई पोएट्स मदर इज ए गुड लेडी, एंड आंसर इज बिकॉज अर्ली सी वेक्स हिम डेली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु इज ए जेंटिल मैन. नेक व्यक्ति कौन है. आंसर, एज पर दिस पोएम पोएट्स फादर इज ए जेंटिल मैन. इस कविता के अनुसार कवि के पिताजी एक नेक व्यक्ति हैं. तीसरा, हुज डॉल ऑलवेज लाइक्स टू रोल. किसकी गुड़िया हमेशा घूमते रहना पसंद करती है. आंसर, पोएट्स सिस्टर हैज ए डॉल व्हिच ऑलवेज लाइक्स टू रोल. कवि के बहन के पास एक गुड़िया है जो हमेशा घूमते रहना पसंद करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑलवेज एंजॉयज इन दिस पोएम. इस कविता में कौन हमेशा आनंद लेता है. पोएट्स ब्रदर एंजॉयज एज पर दिस पोएम. इस कविता के अनुसार कवि का जो भाई है वो हमेशा आनंद लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ए लॉट ऑफ फ्रेंड. किसके पास बहुत सारे दोस्त हैं. आंसर, द पोएट हैज ए लॉट ऑफ फ्रेंड. कवि के पास बहुत सारे मित्र हैं. इस तरह से हम लोगों ने आज इसका वर्ड्स, न्यू वर्ड्स जाना, उसका करेक्ट उच्चारण जाना जिसको प्रोनंसिएशन कहते हैं इंग्लिश में, और मीनिंग मीन्स उसका अर्थ जाना, फिर उसका क्वेश्चन आंसर किया. और इस तरीके से हम इसका फेयर करेंगे और अपनी कॉपी चेक कराएंगे, और फिर हमारा यूनिट टेस्ट होगा जिसमें यह पता चलेगा कि हमारा सीखने का स्तर कैसा रहा है. तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कल इसका फेयर करके लाएंगे और अपनी कॉपी चेक कराएंगे. इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.